ऑन 23rd Feb 2022 एनबीए यंग बॉय ने एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया बाय द नेम आई हेट यंग बॉय। और इस डिस्ट्रैक्ट में यंग बॉय ने लिल डॉग इंडिया, जो कि लिल डॉग की गर्लफ्रेंड है, किंग वॉन, लिल बेबी, 21 सैवेज, गुची मान, बूसी, एप्पल, यूट्यूबर्स और भी बहुत सारे लोगों को डिस किया। ये जो ट्रैक था ये एक्चुअली एक रिप्लाई ट्रैक था लिल डॉग के ट्रैक का, जो कि रिलीज हुआ था 22nd फेब को। लिल डॉग ने अपने ट्रैक पे यंग बॉय के ऊपर शॉट्स लिया और यंग बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड जेनिया मार्शल और किंग वॉन के रिलेशनशिप के बारे में बात करी। अपने ट्रैक में डॉग ने बोला, आई वॉन्ट यॉन टू स्टे अवे फ्रॉम दैट बिच बिकॉज सी पोस्ट on OnlyFans and this was not the only reason जिसकी वजह से ये beef escalate हुई थी। और इस beef और this exchange को properly समझने के लिए हमें past में जाना होगा, तब जब King Von को गोली मार दी गई थी। The Georgia Bureau of Investigation is called to give an independent review of a deadly shooting. Shot and killed after a deadly fight erupted in front of Monaco Hookah Lounge. Two men approached King Von and his group in the parking lot and an argument ensued. The argument quickly escalating to a shootout between the two groups. On November 6, 2020, Chicago rapper King Von was killed in a shooting outside a club in Atlanta. King Von ko Monaco Hookah Lounge ke parking lot mein 5 goli maar di gayi jab unki crew ki fight Condo Rondo crew se hoti hai. Aur ye pura incident CCTV camera pe record bhi hota hai. Aur King Von ke death ke baad ye rumor circulate hoti hai ki King Von ke death ke piche NBA यंग बॉय का हाथ था। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एनबीए यंग बॉय और किंग वॉन की बीफ स्टार्ट होती है और कैसे वो बीफ एस्केलेट होती है और किंग वॉन को फाइनली मार दिया जाता है। और हम इस वीडियो के लास्ट में इस बीफ को करंट गोइंग सिचुएशन के साथ भी कनेक्ट करेंगे और अभी जो डिस ट्रैक एक्सचेंज हो रहे हैं एनबीए यंग बॉय और लिल डॉग के बीच, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अगेन, एक क्रेजी, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। नफरत करने वाले अनगिनत जैसे हवा में स्मोक, बार्स की ना किल्लत, मेरे गानों से होते हेटर्स चोक। मेरे हक को छीन मत वरना बन जाएगा तू घोस्ट, ऐसी है मेरी किस्मत जो कल लगती थी इनको जोक। गाने का नाम है Valuable, आर्टिस्ट का नाम है दमदार फ्लो और ये गाना भाई के अनस्टॉपेबल ईपी का ट्रैक है। सो मैंने ये गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, मुझे ये गाना बहुत सही लगा, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो जैसा मैंने बोला कि किंग वॉन के डेथ के बाद ऐसी रूमर फैल रही थी कि उनकी शूटिंग के पीछे एनबीए यंग बॉय का हाथ था। और ये इसलिए बोला जा रहा था कि वॉन के डेथ के ठीक बाद एनबीए यंग बॉय के होमीज इंस्टाग्राम लाइव में वॉन के डेथ का मजाक उड़ा रहे थे। The jokes on you, this now you getting rapped down. So that's that Von pick. When I seen he got pop, all I could do was laugh. और अगर हम बात करें Condo Rondo की, जिनकी क्रू के साथ किंग वॉन की उस रात फाइट हुई थी और उनके एक क्रू मेंबर ने ही किंग वॉन के ऊपर गोली चलाया था। Condo Rondo कभी भी अपने करियर में बड़े आर्टिस्ट नहीं बन पाए थे, पर वॉन के डेथ के बाद उन्हें बहुत ज्यादा हाइप मिली और ये देखते हुए Condo Rondo ने एक ट्रैक भी निकाल दिया जहां पे वो वॉन की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे। इन ब्रीफ, ऐसा लग रहा था कि Condo वॉन की डेथ से बहुत ज्यादा खुश है। बट स्ट्रेंजली कुछ साल पहले Condo और वॉन बहुत अच्छे फ्रेंड थे एंड यस, एनबीए यंग बॉय की इन्वॉल्वमेंट भी इस केस से बहुत बड़ी है। Condo जो थे वो पहले आर्टिस्ट थे जो एनबीए यंग बॉय के लेबल नेवर ब्रोक अगेन से साइन हुए थे। दोनों साथ में हैंग आउट करते थे, दोनों साथ में शोज करते थे और एक वीडियो इंटरनेट पे सरफेस कर रही थी जहां ये दोनों साथ में एक फाइट में इन्वॉल्व हुए थे। और जब यंग बॉय और Kodak Black की बीफ चल रही थी, Condo ने यंग बॉय के सपोर्ट में इंस्टाग्राम लाइव में Kodak Black की मर्च जलाई। सो दिस ऑल प्रूव्स कि यंग बॉय और Condo Rondo एक दूसरे के कितने क्लोज थे। और यंग बॉय की बहुत पहले से बीफ की बहुत लंबी लिस्ट रही है। यंग बॉय ने इंडस्ट्री में लगभग सारे लोग से पंगे ले रखे हैं और उनकी बीफ बहुत सारे रैपर से चल रही है। और जब नए शिकागो रैपर किंग वॉन धीरे धीरे सीन में आ रहे थे तो यंग बॉय की इश्यूज किंग वॉन से भी बढ़ने लगी। On March 2019, Von ने एक Instagram लाइव किया जहां पे उन्होंने ये बोला कि NBA यंग बॉय अपने ट्रैक्स में झूठ बोलते हैं। इसके बाद यंग बॉय फैंस Von के ऊपर नाराज हो गए और Von को यंग बॉय से माफी मांगने
तब को बोली। ऑन दिसंबर 2019, लिल रीस जो कि किंग वॉन के होमी थे, जब उनके फैंस ने उनसे पूछा कि यंग बॉय के साथ उनकी कोलैब कब आ रही है, तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि वो कभी भी यंग बॉय के साथ कोलैब नहीं करेंगे। और इसके बाद ओ ब्लॉक और यंग बॉय के ग्रुप 4KT के बीच एक लाइन ड्रॉ हो गई। और इस इंसिडेंट के कुछ महीने के बाद एक और इंसिडेंट हुई विच टुक दिस बीफ टू नेक्स्ट लेवल। इंटरनेट पे एक फोटो सरफेस कर रही थी जहां पे किंग वॉन और यंग बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड दोनों साथ में थे, और इसके रिप्लाई में यंग बॉय ने किंग वॉन की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने म्यूजिक वीडियो में कास्ट कर लिया। इन ब्रीफ, दोनों एक दूसरे के एक्स गर्लफ्रेंड को यूज कर रहे थे अपने बीफ में। और जब किंग वॉन ने अपना एल्बम वेलकम टू ओ ब्लॉक ड्रॉप किया, उसकी एक ट्रैक में यंग बॉय के ऊपर सबलिमिनल्स लिए। और जब किंग वॉन की शूटिंग में डेथ हो गई, तो ये न्यूज सर्कुलेट होने लगी कि यंग बॉय ने उस हिट को ऑर्डर किया था। एंड स्ट्रेंजली, किंग वॉन के डेथ के बाद यूट्यूब में एक सॉन्ग अपलोड की जाती है बाय द नेम लेट देम सॉर्ट्स ऑफ किंग वॉन डेस। और इस डिस्ट्रैक को देख के ऐसा लग रहा था कि ये डिस्ट्रैक किंग वॉन के लिए किया गया है, बट इस डिस्ट्रैक में किंग वॉन से रिलेटेड बातें नहीं की गई थी, और ये ट्रैक किसी फैन ने एज ए क्लिकबेट अपलोड किया था। पर ये ट्रैक पॉपुलर हो जाती है और ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 8 में पहुंच जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद हिप हॉप ऑडियंस जो है वो यंग बॉय के पास कैटलॉग्स को चेक करने लगती है, ये पता करने के लिए कि मे बी उनके ट्रैक में किंग वॉन के रिगार्डिंग कुछ क्लू मिल जाए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। यंग बॉय के ट्रैक डेड ट्रॉल्स में यंग बॉय ने कुछ सबलिमिनल या फिर डायरेक्ट शॉट लिए है किसी रैपर के ऊपर, जिसे सुन के ऐसा लग रहा था कि यंग बॉय ने किंग वॉन की डेथ 2 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। यंग बॉय उस ट्रैक में किसी बंदे को अटलांटा में रॉब करने की बात कर रहे थे और अपने ऑप्स को मारने की भी बात कर रहे थे। अपने उस ट्रैक में उन्होंने डी रोज और बुल्स होम भी मेंशन किया था। और अगर हम इस लिरिक्स को कनेक्ट करें तो किंग वॉन जो थे वो अटलांटा में रहते थे, ही वाज किल्ड इन अटलांटा। और यंग बॉय का ये ट्रैक स्ट्रेंजली तब ड्रॉप हुआ था जब किंग वॉन और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की साथ में पिक्चर सरफेस कर रही थी। तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि यंग बॉय ने 2 महीने पहले ही वॉन की डेथ प्रेडिक्ट कर ली थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया था कि यंग बॉय की बहुत लोगों के साथ बीफ थी और वो मे बी किंग वॉन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो अपने किसी और अपोनेंट के बारे में उस ट्रैक में बात कर रहे थे। Now let's come to the shooting of King Von. Monica Hookah Lounge जो कि लाई करता है Atlanta के सेंटर में, ये एक बहुत पॉपुलर प्लेस है। और इसके अलावा this place is red zone for shootouts. 2019 में 24 घंटे के स्पैन में इस जगह पे 3 लोगों को शूट करके मार दिया गया था। इसी रीजन की वजह से उस रात वहां पे अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे। सो जो पहली रिपोर्ट किंग वॉन के डेथ के रिगार्डिंग आई थी वो ये आई थी कि किंग वॉन के ऊपर गोली पुलिस ऑफिसर्स ने चलाई थी, पर उसके बाद रियल रीजन सामने आए। इस इंसिडेंट में 3 क्रू इन्वॉल्व थे, वॉन्स क्रू, क्वांडोस क्रू एंड अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स। वॉन जो है उस दिन OPM नाइट क्लब में अपने एल्बम वेलकम टू द ओ ब्लॉक की रिलीज पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। सडनली वॉन ने हुकर स्पॉट जाने का डिसाइड किया, जो कि वहां से 10 मिनट की डिस्टेंस में थी। किंग वॉन गन कैरी नहीं कर सकते थे क्योंकि किंग वॉन की लिल डॉग के साथ एक केस चल रही थी और उसके रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग उन्हें गन कैरी करना अलाउ नहीं था। यूजुअली किंग वॉन अपने 4-5 सिक्योरिटी गार्ड और अपने बुलेट प्रूफ ट्रक के साथ ट्रैवल करते हैं, पर उस रात वैसा नहीं था। उस रात वो सिर्फ एक ड्राइवर और एक कार के साथ क्लब OPM से निकल गए। और जब वॉन फाइनली हुकर स्पॉट पहुंच गए, तो स्ट्रेंजली आई डोंट नो बाय कोइंसिडेंस क्वांडो रोंडो सेम स्पॉट पे सेम पार्किंग लॉट पे उसी टाइम पे प्रेजेंट थे। और ये पूरी इंसिडेंट CCTV कैमरा में भी कैप्चर होती है। जब क्वांडो अपने व्हाइट SUV के अंदर जा रहे होते हैं, किंग वॉन को उनके एक क्रू मेंबर क्वांडो के बारे में बताते हैं। क्वांडो को देखते ही किंग वॉन क्वांडो की तरफ बढ़ते हैं और उनके ऊपर पंचेस चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब क्वांडो और किंग वॉन के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रही थी, क्वांडो के ब्रो लिल टेम व्हाइट SUV से हॉप आउट करते हैं और अपने पिस्टल से 5 गोली किंग वॉन के ऊपर फायर करते हैं। किंग वॉन के क्रू मेंबर में से एक बंदे के पास गन होती है, वो भी शूटर के ऊपर गोली फायर करते हैं, पर एक गोली फायर करने के बाद उनकी गन जैम हो जाती है। वॉन्स मैनेजर को भी इस शूटिंग में गोली लगती है और लिल टेम्स जो कि शूटर थे उन्हें भी एक गोली लगती है, पर उनकी जान बच जाती है। किंग वॉन को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइज। सो क्वांडो रोंडो जो कि यंग बॉय के लेबल के आर्टिस्ट थे, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग वॉन्स डेथ। और किंग वॉन की यंग बॉय के साथ भी इशूज चल रही थी,
और बीफ चल रही थी। और इस इंसिडेंट के बाद यंग बॉय की इंडस्ट्री में बीफ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई और उनके ऑप्स के नंबर और भी बढ़ गए। एंड दिस वॉज द टाइम जब यंग बॉय और उनकी ऑप्स की बीफ नेक्स्ट लेवल पे एक्सकलेट हो गई। और तब से एनएलई चौपा, लिल डॉग और बहुत सारे रैपर्स अपने ट्रैक पे रेगुलर शॉट्स या फिर सबलिमिनल्स लेते रहते हैं NBA यंग बॉय के लिए। एंड द सेम थिंग हैपेंड रिसेंटली एज वेल, जब लिल डॉग ने अपने रीसेंट ट्रैक आहा में NBA यंग बॉय के ऊपर शॉट्स लिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ही रिप्लाइड विथ अ ट्रैक आई हेट यंग बॉय, जिसमें उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ही डिस कर दिया है। एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है और हमें किस साइड से डिस ट्रैक देखने को मिलते हैं। सो फाइनली वी कैन से दिस बीफ इज वन ऑफ द डेडली बीफ गोइंग राइट नाउ इन हिप हॉप सीन, एंड वी मे सी फर्दर एस्केलेशन इन दिस बीफ इन फ्यूचर as well. Okay, so this was it. This was the video. अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel. अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक subscribe नहीं किया, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, चैनल को subscribe कर लो. अगर तुम Instagram पे follow करना चाहते हो, link description में. अगर तुम Discord join करना चाहते हो, उसका link भी description में है. अगर तुम मेरा short channel subscribe करना चाहते हो, उसका link भी description में मिल जाएगा. So this was it. Thanks for watching the video. Thanks. Again. कैसा नशा तेरी जादू में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल्लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।